हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो स्टारशिप मिशन लॉन्च किया जाएगा उसको मंगल ग्रह पे जाने के बाद जो दूसरा लॉन्च होगा वो 26 महीने के बाद होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उस दौरान ही हर 26 महीने के बाद ही मंगल ग्रह धरती के सबसे नज़दीक आता है, तो इस वजह से रॉकेट को भेजना या स्टारशिप को भेजना आसान होगा क्योंकि कम फ्यूल लगेगा, कम वक्त लगेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा वक्त, कई गुना, दसों गुना ज़्यादा वक्त और दसों गुना ज़्यादा पैसा लग जाएगा, फ्यूल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा रॉकेट है ही नहीं हमारे पास जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो और हम बहुत ही दूरी पर भी बहुत कम वक्त में पहुँच पाए, जिसकी वजह से हमें हर बार 26 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर कोई ऐसा रॉकेट हमारे पास हो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है हम बहुत कम वक्त में हर चीज़ के पास पहुंच जाएंगे। जैसे हमें मून पे जाना है तो हमें 4 दिन लग रहे हैं, लेकिन अगर बढ़िया इंजन हो, बढ़िया रॉकेट हो तो हम महज 1 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच पाएंगे। लेकिन तेज़ रॉकेट के लिए हमें क्या चाहिए? बढ़िया इंजन चाहिए और उसमें जो थ्रस्टर होता है जहाँ से क्या होता है फ्यूल बर्न होता है, वो क्वालिटी हमें बहुत बेहतर चाहिए। और उसी को देखते हुए नासा ने और डरपा ने, जो दो कंपनियां, इन्होंने मिलके एक क्या किया है, मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ड्रैको। ठीक है दोस्तों, और उसे क्या करेंगे, ये बनाएंगे। ड्रैको मिशन क्या है? ड्रैको मिशन के तहत दोस्तों ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर इंजन बनाएंगे। रॉकेट का जो इंजन है वो न्यूक्लियर होगा, मतलब उसके अंदर यूरेनियम होंगे और इसका यूज करके ये इंजन बनाएंगे। मतलब अभी तक जहाँ पे मीथेन गैस, ऐसे गैस यूज हो रहे थे, वहाँ पे अब ये सीधा यूरेनियम यूज करेंगे और उसके तहत जब इंजन बनाएंगे तो इनका कहना है कि जिस मंगल ग्रह पे हमें पहुँचने में मान लीजिए कि 10 दिन लग रहा था तो वही हमारा दिन आधा हो जाएगा, 5 दिन हमें लगेगा। और ये ऐसे मिशन के लिए बनाया जा रहा था कि आने वाले वक्त में जब क्या हो, मतलब सैटेलाइट को और रॉकेट को कहाँ पर भेजा जाए, जुपिटर में भेजा जाए, वहाँ पर भेजा जाए, तो इसके तहत ही इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हम ये पूरी जानकारी समझेंगे आखिर नासा और ड्रैको कैसे काम करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हर किसी के लाइफ में आज के वक्त में आपको पता है कि हर कोई लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन प्रोडक्टिविटी ही उसके पास नहीं है। कोई ये तो नहीं बताता है कि तुम अपने काम को तेज कैसे करो, तेजी से याद कैसे करो, कोई इसके बारे में नहीं बताता। बस हर कोई ये बोलता है कि तुम क्या करो, मेहनत करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम मेहनत कैसे करें, सही डायरेक्शन में एफिशिएंट मेहनत कैसे करें। दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि जब कोई इंसान फ्लो में होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, 5 टाइम बढ़ जाती है। और दोस्तों उसी कोर्स को हम यहाँ पे लाए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, यही कोर्स माइंड वैली जैसे प्लेटफॉर्म पे 30 से 40 हज़ार का बिकता है लेकिन ये आपको मात्र मिलेगा 299 में। तो अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो डरपा है, ठीक है, तो डरपा कंपनी है, ये क्या करती है, ये कभी भी किसी और कंपनी के साथ जब काम करती है तो ये हमेशा नए प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इन्वेंशन करते हैं, ये कभी भी इनोवेशन पे काम नहीं करते हैं। कि जैसे भैया आपका जेट है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब Generation 2 लाएंगे, Generation 3 लाएंगे, ये काम ये नहीं करते। जो डरपा होता है वो हमेशा नए प्रोजेक्ट पे काम करता है, एकदम नए इन्वेंशन पे काम करता है और इसीलिए नासा इनके साथ मिलके काम कर रहा है। अदरवाइज नासा तो खुद इतना कैपेबल है लेकिन फिर भी ये उनके साथ काम कर रहा है क्योंकि ये जो नया प्रोजेक्ट है ये नए तरीके का काम हो रहा है जिसके लिए डरपा का यूज होगा। दूसरी बात दोस्तों कि जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो उसमें फ्यूल बर्न होता है, वैसे ही जब क्या होता है कि जो ये मिशन है, जो ड्रैको है, इसमें न्यूक्लियर का यूज किया जाएगा ताकि हमें थ्रस्ट बहुत तेज मिले ताकि हम क्या करें, बहुत तेज़ी से पहुंच पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो फ्यूल यूज होता है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और जैसे ऐसे गैस यूज होते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या है कि उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है जिसके लिए उसको -डिग्री टेम्परेचर में जाकर रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं करता जितना हमें चाहिए, इसी वजह से जो न्यूक्लियर इंजन है इसको बनाया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर बम जो होता है कम मात्रा में इतना ज़्यादा विस्फोट करता है कई शहर खत्म हो जाते हैं। तो वही न्यूक्लियर मटेरियल यूज होगा उस इंजन के अंदर जहाँ पर जो यूरेनियम होंगे वो क्या होंगे, स्प्लिट होंगे और स्प्लिट होने के बाद क्या होंगे, वो इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करेंगे जिसकी वजह से जो रॉकेट की स्पीड होगी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो पाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये जो रॉकेट का इंटरनल पार्ट है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, जैसे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं तो इसी के अंदर के ये थ्रस्टर होता है, यहाँ के इसके ऊपर फ्यूल होता है पूरा, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, पूरा ऐसे रहता है। यहीं से क्या होता है, आग, आप देखेंगे जब रॉकेट उड़ती है तो जो नीचे से आग निकलती है यही वाला
पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, नॉजल बोलते हैं। इसको मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो ये वाला पार्ट देखेंगे, ये पीछे वाला पार्ट जो अभी जो मैंने दिखाया वो नॉजल वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या क्या है, हाइड्रोजन है। अब एक बात समझिए आप कि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। तो अब एक रॉकेट के अंदर उनको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए क्योंकि उनको बहुत दूर तक जाना है, तो गैस भरेंगे तो गैस ज्यादा जगह लेगा और ज्यादा आ नहीं पाएगा। तो इसको क्या होता है दोस्तों, माइनस डिग्री सेल्सियस में ले जाते हैं, लगभग 127 माइनस मतलब उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है, वहां तक इसको लेके जाते हैं। ऑक्सीजन का भी हाल वही होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को जलने के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन यहां से मिल जाता है, यहां पर क्या होता है एक वो होता है, ठीक है, यहां पर कार्बोरेट वो लगा, थ्रस्ट वो लगा होता है, चिंगारी जो देता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हल्की सी चिंगारी दे देगा, तो फिर ये बर्न ये जलने लगेंगे। जब ये जलेंगे दोस्तों तो बहुत तेजी से ये बाहर निकलेंगे, और जब ये बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे तो इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन की वजह से ये बहुत आगे आता है। अब यहां पे समस्या ये है दोस्तों कि हाइड्रोजन की अपनी कैपेसिटी है, वो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता, जितना जलेगा उतना ही ज्यादा देगा। लेकिन यूरेनियम के साथ ऐसा नहीं है। यूरेनियम के साथ क्या है दोस्तों कि जहां भी इतना हाइड्रोजन जलाया गया है, ठीक है, वहां पे अगर इतना सा भी यूरेनियम डाल दिया जाए, छोटा सा भी पार्ट डाल दिया जाए यूरेनियम का, तो उतनी एनर्जी वो दे देगा। अब दूसरी चीज क्या है कि कम टाइम के अंदर, ठीक है, कम टाइम के अंदर ज्यादा बर्न होगा, ज्यादा एनर्जी देगा। तो जब कम टाइम के अंदर ज्यादा एनर्जी देगा तो यहां पर क्या है, थ्रस्ट बहुत तेजी से पैदा होगा। यहां पर जो थ्रस्ट है बहुत तेजी से पैदा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये यूरेनियम का यूज कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये खत्म हो जाएगी कि आप देखेंगे आज रॉकेट इतने बड़े बड़े जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि आधा से ज्यादा पार्ट तो फ्यूल का होता है, आप देखेंगे उसमें फ्यूल ही भरा हुआ है क्योंकि उसको लेके जाना है। अब यहां पे यूरेनियम को आने की वजह से दोस्तों आप देखेंगे कि जो वो बड़ा सा बॉक्स लगा होता है जो पीछे, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको यहां पर दिखाऊं अगर इमेज में, तो आप देखेंगे अब ये जो पार्ट है इसमें आप देखेंगे बहुत सारा पार्ट तो फ्यूल का है, आगे का थोड़ा सा पार्ट जो है मेन पार्ट है, तो ये पार्ट खत्म हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा यूरेनियम उन्होंने लगा दिया, वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे खास बात है। तो दोस्तों ये जो मिशन है, मैं आपको बता दूं कि 2025 से लेके 2026 तक ये मतलब होगा, ठीक है, इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको किया जाएगा, ठीक है। इस पर लगभग $499 मिलियन के आसपास पैसा इस पर लगाया गया है। ये पैसा आगे चल के बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक प्रोजेक्ट और भी शुरू किया गया था जिसका नाम ओरियन था, ठीक है, प्रोजेक्ट ओरियन करके, ये 1950 में और 1960 के आसपास ये शुरू किया गया था। तो इस दौरान भी नासा यही चाहता था कि वो क्या करे, एक ऐसा इंजन बनाए जो क्या हो, न्यूक्लियर से चले, ताकि कम टाइम के अंदर हम कहीं भी पहुंच पाए। और उस दौरान नासा ने क्या किया था, इस प्रोजेक्ट को किसको दिया था, जो वहां की एयरफोर्स है और जो मिलिट्री है उनको दिया था करने के लिए। लेकिन ये मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इतना कैपेबल नहीं हो पाया, लेकिन आज नासा इसकी अहमियत समझता है, जिसकी वजह से उसने फिर से जो सबसे बड़ी एजेंसी है इन्वेंशन की, डरपा, उसके साथ ये मिलके काम कर रहा है, ताकि फिर से जो ओरियन प्रोजेक्ट था जो फेल हुआ, जो नहीं हो पाया, लगभग 10 साल तक इस पर काम चला, 15 साल तक काम चला, उसे फिर से नासा मतलब जगा रहा है और नए तरीके से इस पर काम करेगा। तो दोस्तों आने वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इससे, क्योंकि अगर ऐसा रॉकेट बनता है तो आप देखेंगे जो मून मिशन 4 दिन में हो रहे हैं, 5 दिन में हो रहे हैं, आप देखेंगे ये 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे, बहुत कम टाइम के अंदर चीज़ें हो पाएंगी। तो जो स्पेस एजेंसी आएंगी, जैसे अब मानिए कि जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, जैसे इंडिया में भी आ रहे हैं, हर देश में नए नए प्राइवेट एजेंसी आ रही है, तो इनके पास भी बढ़िया मौका होगा कि कम टाइम के अंदर ये ज़्यादा काम कर पाएँ, ज़्यादा वर्क कर पाएँ। अदरवाइज फ्यूल पे डिपेंड होना बहुत ही खर्चीला है, बहुत महंगा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। लेकिन इसके आने से दोस्तों बहुत पैसा भी बचेगा, बहुत टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्क हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक बढ़िया कदम है नासा के द्वारा और डरपा के द्वारा। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने कहा कि सिल्वा मेथड इंडिया में दोस्तों कहीं भी नहीं है, तो ये हम पहली बार इंडिया में लाए हैं सिर्फ आपके लिए, वरना इसी चीज़ को दोस्तों लोग बाहर जाते हैं, बाहर से सीख के आते हैं, उनको लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपको इंडिया में मात्र 299 में मिल रहा है। क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम हर कोई बात करता है लेकिन कोई सॉल्व नहीं करता, जिसे हम फ्लो कोर्स में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।